दो दिन की तेज बारिश ने नगरपालिका प्रशासन की बारिश पूर्व तैयारियों और दावों की पोल खोलकर रख दी है। वर्षों पहले जिन मोहल्लों व सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी रहती थी, लगभग आज भी वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है व नाले व नालियों का कचरा सड़कों पर इधर उधर तैरते दिखाई दे रही है। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले नगर पालिका द्वारा नाले व नालियों की सफाई के साथ ही जल भराव वाले इलाके को चिन्हांकित करते हुए नालियों की सफाई पर ज्यादा जोर दिया था। सफाई कार्य में नगर पालिका के संसाधनों के साथ ही खर्च भी किए गए थे। तब अफसरों ने जोर शोर से यह दावा किया था कि नाले व नालियों के सफाई के साथ ही पहले की तुलना में इस बार बारिश के मौसम में लोगों को ज्यादा तकलीफ झेलने नहीं पड़ेंगे, मगर दो दिन से हुए तेज बारिश की वजह से तिलक वार्ड के घरों में पानी भर गया है और वार्डवासी इसका जिम्मेदार नगर पालिका को मान रहे हैं। ये है ना, वो पूरा घर में पानी भरे माड़ी भर और पूरा सब मोहल्ला में ये है और फिर का कहते हैं बोल रहे 500 घाम पार्सल दा कोई ध्यान ही नहीं देते। एसडीएम डीएम सब आ रही है, देख के गए हैं और फिर सब ला दिए करे करे रहे उधर पानी भरी घर डूबे रही ते बस कुछ नहीं होए मोजा उजा कुछ नहीं दई छी डबराम पासे है वैसे कह दी छा मल्ला त हमन का कर सका था डबराम पासे त वो जदी वोट मांगे लाते तदिन पा पर थे। आज जो पानी गिरा दो दिन से लगातार पानी गिर रहे में मौसम खराब बनते आज मेरा पूरा घर में पानी घुस गया है और मैं नगर पालिका भी गया था और पार्षद को भी मैं बता चुका हूँ कि पानी मेरे घर में भर रहा है और उसके बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दिया है। इसका निराकरण तुरंत होना चाहिए और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं और पूरा गंदा जो पानी है आज मेरे पूरे घर में घुस चुका है। कब से थी ये समस्या को आपने पहले बताया था क्या? मैंने पार्षद महोदय जी को मैं अवगत करा चुका था इसके बारे में कि समय से पहले इसको निराकरण कराया जाए नहीं तो पूरा घर में पानी आया करके। कबीर वार्ड में नाली की व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण पहली बरसात का पानी कलीम तंवर के घर में घुस गया और बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए क्योंकि यहां पर 3 रोज से बिजली गुल है बोल है जिसके कारण आज जन हानि होने से बच गया है और इनके कई चीज़ चावल से लेके गेहूं से लेके कई सामान गीले हो गए हैं और कई चीज़ की इनके बहुत स्थिति दयनीय है। यहाँ पर रहने के लिए नाली का व्यवस्था नहीं है जिसके घर में पानी की पहली बरसात के पानी हर घर में घुस रहे हैं। कलीम तंवर के घर में पूरे घर में पानी घुसा हुआ है। मैंने सीएमओ जी से फ़ोन किया, सीएमओ फ़ोन नहीं उठाए और ये ताल ठोकते रहते हैं कि मुंगेली में हमें हर वार्ड में नाली का व्यवस्था कर चुका है लेकिन सीएमओ की जो हमारी फर्स्ट है अभी मैंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाए। इससे ये पता चलता है कि सीएमओ साहब बिल्कुल काम में लापरवाह है। ऐसे सीएमओ साहब को मुंगेली से ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए जो नगर की व्यवस्था का ध्यान नहीं देते हैं। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है कि पहली बरसात की पानी घर के घर में घुस रही है। मुगेली से अविनाश कुलमित्र के साथ नेहल दिवाकर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।